पृथ्वी तुम क्या करना चाहते हो? अरे अंदर कोई है, दरवाजा खोलो। सुन रहा है ना तू? खटखटा रहा हूँ मैं। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अरे रुक जा, ऐसा मत करो। मुसीबत का सामना
सामना करने की शक्ति देना। थोड़ा शांति बनाए रखो, खाना खाते वक्त बर्तन नहीं गिराते तुम्हें इतनी भी। अरे ये क्या हो गया? अरे तो मुझे नींद आ रही है, इसमें तो बेहोशी की दवाई थी। हाँ जल्दी करो, दवाई का असर हो गया होगा। अरे नहीं देखा, सब बेहोश हो गए। मैं इन्हें पहले ही मार देता हूँ। बेवकूफ हो गया, तुम्हें क्या लगा तुम अकेले इन्हें मार सकते हो? अरे वो लड़का कहाँ गया? ढूंढो उसे, पता नहीं कहाँ चला गया। लगता है उसने लड्डू नहीं खाया और भाग गया। अरे जल्दी से ढूंढो उसे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ढूंढो उसे। ये सब तुम्हारी गलती। यही कहीं है, ज्यादा दूर नहीं गया है। पहले इन्हें बचाना होगा। होश में आ जाओ। अरे कोई असर नहीं हो रहा इन पर, अब क्या करूं मैं? वो कहां भागा होगा? कहीं वो उस कमरे में तो नहीं गया? उस कमरे में शायद मुझे वहां दवाई मिल सकती है। यहां भी नहीं है, चलो अलग होकर ढूंढते हैं उसे। Yeah!
भी नहीं दूंगा। अरे अंदर कोई है, दरवाजा खोलो, कोई सुन रहा है? नहीं, हमें शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए उस तस्वीर की जरूरत है जिससे हम अग्निसुर को हरा सके। चिंता मत करो। वो तस्वीर मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, मेरे शक्ति के बिना कोई भी उसे देख नहीं सकता। अच्छा हुआ ये दुश्मनों के हाथ नहीं लगी, अभी भी उम्मीद जिंदा है। इसका मतलब वो तस्वीर हमेशा तुम्हारे पास ही थी। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। इसका मतलब तुमने जानबूझकर आकाश को अकेले होश में रहने दिया क्या? हाँ सही कहा, पहले तो मैं अपने मालिक अग्निसुर को सिर्फ वो जादुई तस्वीर देने वाला था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो सूरमा योद्धा मेरी जाल में फंस जाएंगे। कहते हैं ना, ऊपर वाला देता है तो छप्पर हार कर देता है। मैं तुम्हें एक शर्त पर वो तस्वीर दूंगा, पहले तुम इन्हें जाने दो। अच्छा, तुम शर्त रखने की हालत में भी हो? अग्निसुर पहले ही आजाद हो चुका है, अब ये योद्धा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें इन्हें पकड़ना है या तस्वीर पानी है। बताओ क्या चाहिए? अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तस्वीर नष्ट कर दूंगा। मुझे मंजूर है। अरे तुम्हें तो इसे बचकर रहना चाहिए, ये तो बहुत ही बड़ा शातिर निकला। ये तो अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, ये कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है दोस्त, समझो। हम दोनों में फूट डालना बंद करो और वो तस्वीर मुझे दे दो चुपचाप। पहले मुझे वो दवाई दो। रुक जाओ, मैं कैसे मान लूं कि ये दवाई ही है, जहर नहीं है, है ना बुढ़ाओ? तुम पहले हमें जहर दोगे और फिर मेरी तस्वीर चुरा लोगे। ठीक है तो मैं इसे खाकर दिखाता हूँ। रुक जाओ, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या पता तुमने जहर से बचने की दवाई पहले ही खा ली हो। ये दवाई तुम अराहत को खिलाओ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान है। ठीक है, ये लो अराहत, इसे खाओ, डरो मत, ये दवाई है। बिल्ली अपने बच्चे को खा सकती है, कुछ लोग किसी को भी धोखा दे सकते हैं। किसी पर भरोसा करने से पहले ये जानना जरूरी है। ए लड़की, तुम पास बंद करो। अरे बाप रे, इसका मतलब तुम कुछ छुपा रहे हो, नहीं तो इतना गुस्सा क्यों आता तुम्हें? अब अराहत, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? लगता है अराहत दवाई खाना नहीं चाहता। सही कहा? पृथ्वी, तुम ठीक तो हो ना? लगता है हमारा विकेट है। पृथ्वी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुमने मुझे धोखा दिया? नहीं, वो झूठ बोल रहा है। आकाश, वो दवाई लो। She got so ring ring ring.
रिसु की नफरत को सोखकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तो मैंने इसे अपनी शक्ति से रोक रखा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। फिर क्या होगा? ये दुनिया की तस्वीर किसी भी पल फट सकती है। क्या क्या इसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं? किसी को इस तस्वीर में जाकर नफरत को जड़ से हटाना होगा। तस्वीर में जाना होगा? ये तस्वीर एक ऐसी दुनिया का रास्ता है जिसमें सारे देवता और ऐसे जीव रहते हैं जो लड़ाई से ऊब चुके हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल महान हथियार तैयार करने के लिए होता है ना? ये तस्वीर हथियार बना सकती है, लेकिन हथियार बनाने के लिए लगने वाली चीजें और नक्शे इसके अंदर मौजूद हैं। इन चित्रों को 8 हिस्सों में बांटा गया है जो अलग अलग देवताओं और जीवों के हाथों में मौजूद है, लेकिन सारा सामान मोरों के राजा के पास मिलेगा। इसका मतलब वो नक्शा और सामान लेने के लिए हमें उस दुनिया में ही जाना होगा। लेकिन अब क्या हुआ? इस तस्वीर का दरवाजा 300 सालों में सिर्फ एक बार खुलता है और अभी वो वक्त आया नहीं है। क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं है? मैं अपनी शक्ति से दरवाजा खोल तो सकता हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि ऐसी स्थिति में दुश्मन को हराकर वापस लौटने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। नहीं तो तुम उसी दुनिया में फंस जाओगे और लौट नहीं पाओगे। समझ रहे हो? हम तैयार हैं। इस दुनिया के देवता और जीव तीनों लोगों में सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन अब उन पर नफरत हावी हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है दोस्त, बहुत मुश्किल है। चाहे कुछ भी हो, हमें वहां जाना ही होगा। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं और वहां खतरों का सामना करना होगा। उस दुनिया में क्या होगा बताना बहुत मुश्किल है। तुम्हें हमेशा एक साथ रहना होगा।